for success on Amazon. Very high sales. Daily sales are near about 100 units or more. Hi, my name is Kumar Ujwal and welcome to Power Law. एक करके आते हैं आराम से, ठीक है? जो मेरी तीन मतलब ये है ना, एक बजे से एक और मीटिंग है, सो विल बाइंड अप 12:55 तक मोस्ट ऑफ, ठीक है? हम तो जल्दी बोलूं, बट विल गो फास्ट, बट पॉइंट द स्क्रीन शेयर करता हूं। कैन यू सी द स्क्रीन नाउ? इसके अंदर है बेड स्टोरेज, ये है ना? तो एक तो ये इनको करी था, जो कि मेरे को भी है, क्या पड़ता है 20 रुपए? ये 20 रुपए, अगर ये जब 20 रुपए जब पड़ेगा, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इसके इन्वेंटरी सेंड करता हूँ, मतलब और साथ में मतलब नंबर ऑफ पीसेस पे डिपेंड करता है ना, तो नंबर ऑफ पीसेस जो है, अगर हम सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज बैग भेज रहे हैं, बाकी इसके साथ में ट्राइपॉड्स पंप और अदर कोई प्रोडक्ट नहीं भेज रहे हैं तो 20 रुपए पड़ेगा। अगर मैं ट्राइपॉड और पंप और ये सब साथ में भेज रहा हूँ तो ये फिर वही 7-8 रुपए आ जाता है। तो ये वॉल्यूम पर डिपेंड करता है ना, मेरे को था कि अगर कम वॉल्यूम दे रहे हो तो ये ज्यादा प्राइस पड़ते, अगर ज्यादा ज्यादा यूनिट्स दे रहे हो तो कम पड़ता है। Am I right? तो 20-25 is pretty high, बहुत ही, मतलब 7-8 रुपए पड़ना चाहिए, जो मेरे को भी समझ, हाथ से 10 रुपए लगा सकते हैं, पर 20 रुपए तो आई थिंक यू शुड करेक्ट मी। ये एक पॉइंट वो अपना तेरे को वो देते होंगे ना कि सर ये कॉस्ट पड़ रही है ले जाने की, चलान बनाता हूँ ना। हाँ, वो कॉस्ट दिख जाती है आपको, दिखा देता हूँ मैं कहाँ से दिखती है वो कॉस्ट। हाँ, एक बार मैं अपना तू अपना वो स्क्रीनशॉट निकाल के मुझे भेज देना, या अभी नहीं बाद में भेज देना, ये पॉइंट लिख लेते हैं बस, भाग्यश्री लिख लो ये वाला चीज कि ये सर भेजेंगे फ्रीट चार्जेस का, 300 पीस भेजा अगर हमने या 200 पीस भेजा हमने तो ये 20 रुपए नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन 10 वो भी ज्यादा लेके चल रहा हूँ, बिकॉज तेरा आइटम छोटा है ना, मतलब कॉम्पैक्ट। हमने बड़े आइटम भी भेजे हैं पास में जिनकी कॉस्टिंग हमें 12-13 रुपए पड़ती थी, और बट एक्चुअली इसका वेट ज्यादा है ना, मतलब वॉल्यूमेट्रिक बेस में अगर वेट ज्यादा होगा तो वेट के बेसिस पे होगा, तो मैं वेट को थोड़ा सा लोअर कर देता हूँ, मतलब जैसे कि पर बॉक्स की मैक्सिमम लिमिट अभी 18 kg कर रखी है इन्होंने। तो 18 kg, हाँ, तो मैं एक्चुअली वो अराउंड 25 kg के अराउंड होता है, बट मैं उसको 18 kg दिखा के बॉक्स में 10 pieces डाल देता हूँ सर, मतलब हाउएवर यू मैनेजिंग वो तू देख के पर यूनिट कॉस्ट निकाल के मुझे बताना, और ये भविष्य में फॉलोअप कर ले कि ये पर यूनिट क्या है, बिकॉज़ दिस फकिंग हाई, नंबर 1। दूसरा 3.5 स्टोरेज आई कैन डाइजेस्ट, कोई दिक्कत ना, पता नहीं वो तो एग्जैक्टली, बट एवरेज लग जाता है, पांच एमबीए की कैलकुलेशन है हमारे को, 4 का रिक्वायरमेंट है, 5 यहाँ लगा रखे ना, ये है तुम्हारा फ्री चार्जेस, और 899 की हमने सेल प्राइस रखी उस वक्त, उस पे अगर हम जब 899 पे जीरो कर रहे थे तो 134 अब आ रहा है, पहले तो 10 रुपए दिए थे, 124 ही आ रहा था, 10 रुपए वहां से निकाले ना 20, 899 अगर तू, और ये FBA में बाकी सब नंबर्स भाग्यश्री चेक कर रखे हैं, FBA के सही है। हाँ, बाकी सही है, अभी तो फिलहाल में पंप और स्टोरेज बैग ही जा रहा है जो मेन है, और दो प्रोडक्ट्स हैं जो लिक्विडेट होंगे, ट्राइपॉड और सिल्वर एंड ब्लैक, कैलकुलेशन के लिए सर होगी, उन पर डिस्कशन कर लेंगे। मेन अभी हमारा घर चलने वाला यही आइटम है, इसमें हमारा चल रहा है। So the thing is, इस वाले का हमने 899 का कैलकुलेशन कर रखा नहीं, ऑल दीज नंबर्स आपका घर आप ही अगर चल रहा है भैया इधर तो वो भी नहीं चल, और मेरा खर्चा जो है इसके अंदर इनकॉर्पोरेटेड है ना भाई, ये वाले खर्चे के बाद है तो अलग से नहीं देना पड़ता, आगे आते हैं। बट हाँ, अप्रैल में भी इन दिस पेंडेमिक शिट यू हैव लाइक 7.5-8 हजार का रिफंड का। नहीं सर, आपके लिए कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप बस बता दीजिए क्या क्या करना है, जितनी जितना बोलोगे उतना जला देंगे, कोई दिक्कत नहीं, नंगे हो जाएंगे भैया जब 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 जीरो हो जाएंगे तब बस बोल देना टाटा बाबा भाई, मैं चला जाऊंगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं भाई। अभी 9.9 की प्राइसिंग है और 899 की एफबीए में हमने कैलकुलेशन करी थी, ये वो है, अगर मैं 9.49 कर दूं दिस विल गो इवन हायर, ठीक है? बट द पॉइंट इज हमारे जो कंपेटिटर्स आ रखे हैं ना वो काफी अग्रेसिव हो रहे हैं, माय पॉइंट इज कि सही बात है, डिसेंट मार्जिन का निकाल के इश्वन वाला ये रख, तो इसकी रैंक आ रही है, इसमें रैंक नहीं आ रही है। मैंने क्या किया, मैंने ना एक्चुअली मैंने एक चीज ये करी कि मैं क्या कर रहा था कि लोगों से फीडबैक लेने के लिए मैंने कुछ अलग टाइप के फीडबैक के वो बनाए थे, स्लिप्स बनाई थी, जिनमें मैंने लिखा कि क्या कहते हैं, मतलब वो रेटिंग का जैसे हम लिखते हैं वो लिख के नीचे लिख दिया, वी हैव सेंट यू 1 extra free जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, मतलब हमको थोड़े से एकदम स्पाइक मिला है उसका जो 5-star रेटिंग का है। तो दे रहा था हड्डी तो अब हाँ, और सही है, वेल मेंटेन्ड डीसेंट प्रोडक्ट है हमारा। पॉइंट आते हैं इस पे कि एक तो था तू एफबीए वाला और एमएफएन वाला, ठीक है? अगर अब देखें, मान लें हम एफबीए में भी 899 का करेंगे ना, नॉट अ प्रॉब्लम, लेट्स डू दिस,
899 पे ही कर देते हैं। तो इसमें और हमारे वाले जो कैलकुलेशन थी उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, मतलब सेम है वो मेरी बात, उससे बात होके ओके आकर साथ हमने एक दिन डिस्कस किया था पूरा डिटेल में, सेम ही है। तो MFM वाले में 407 कैसे आ रहा है, मतलब MFN वाले में और इस वाले में कैसा डिफरेंस है? हाँ प्रॉफिट MFN सेट ऑफ, हाँ अभी स्क्रीन जो शेयर करेगा उसमें वो ब्लैक स्टोरेज बैग बॉक्स बॉक्स बैग जो भी है सेट ऑफ, और हाँ मतलब 1111 और बता रहा हूँ कैसे 203 हुआ। और दूसरा क्या है, शिप वाले से तेरे चार्जेस है, हाँ मेरे FBA MFN FVA में थोड़ी ज्यादा नहीं है, FVA में मेरे ख्याल से फीस ज्यादा है, और हमारा 94 है, ये जो 50 रुपए आया ना एक्स्ट्रा, 50 रुपए और दो तीन और ये 10 रुपए ये भी कम हो गया समझ के देख, इसीलिए हम तुझे कह रहे हैं कि डिफरेंस तो अच्छा खासा बेटा 134 और 203, अगर MFN से करते हैं तो 203 है, 5-6 रुपए ऊपर नीचे होगा पर उससे ज्यादा ऊपर नीचे नहीं है MFN में। 200 रुपए अगर प्रति पीस हमारे को 899 पे बच जा रहे ना, तो हम जितने भी एक्स्ट्रा बचते हैं सारे के सारे इंडियन कैंपेन की कॉस्ट में सारे खत्म हो जाते हैं वो। हाँ कैंपेन की कॉस्ट और प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट का इन्वर्स रिलेशन है, मतलब द लोअर द प्राइस इन्वर्स डायरेक्ट रिलेशन है, द लोअर द प्राइस द लोअर द कैंपेन कॉस्ट। अगर यही मेरा 200 रुपए है फॉर एग्जाम्पल, मैं 799 का बेच दू ना जस्ट टू डू दिस थिंग, और ये हालांकि हमें ये वाले नंबर भी अब चेंजेस करने पड़ेंगे तो मैं इसे हटाता नहीं हूँ, वो लोग अपडेट करके दे देंगे, पर तू देख सकता है इवन इफ 899 के भी हम बेचते ना MFN में जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है बहुत डिफरेंस है यार, 70 रुपए का डिफरेंस है, और अगर वॉल्यूम पे देखेगा अगर 10 पीस हो गए तो 700 रुपए का डिफरेंस हो गया ना। Hence, this was the reason मैं उसके साथ भी बैठ के तेरे को भी समझाना चाहता हूँ, उसको भी समझाना चाहता था कि this is a significant difference, और कहाँ ये खा रहे, दो जगह खा रहे जिसकी वजह से ये 70 रुपए जा रहे हैं, एक हमारा भाई साहब ये शिपिंग जो यहाँ 94 है यहाँ वो 143 है, खा गया 50 रुपए, और यहाँ पे 10 रुपए और 60 बट 143 94 वो एक्सक्लूडिंग ऑफ टैक्सेस है, बट 143 मेरे ख्याल से इंक्लूडिंग इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस है। हां नहीं अभी दिखाता हूं, एक सेकंड, नहीं बेटा एक्सक्लूडिंग है, आपको गलत समझ में आ रहा है, जीएसटी फीस नीचे है 47 रुपए। तो हमारे मैक्सिमम ऑर्डर्स जो है किस पर आते हैं, नेशनल पे आते हैं फिर उसमें आते हैं ज्यादातर, मतलब किसके ज्यादातर होते हैं दे रहे हो? अच्छा 143 आपकी बेसिक पड़ रही है, 50 रुपए से सीधा यहाँ चले गए, एक्स्ट्रा जो हम दे रहे हैं फालतू का, और दूसरा हम ऐसा नहीं कह रहे कि हम FBA नहीं करेंगे, there is something called stage by stage execution, हम FBA करेंगे जब हम रैंक 1-2-3 के आसपास परमानेंटली रहेंगे, अभी नहीं, ठीक है। अभी सजेशन ये है मेरा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सजेशन है कि तू ये देख ले। तो अभी के हिसाब से फिर क्या करना चाहिए, मतलब इसकी जो अब मैंने जो घर वाला अभी भेजे नहीं है मैंने, अभी घर पे ही है। अच्छा तो घर से पिकअप हो रही है, घर से तो कोई पिकअप वगैरह मतलब एक दो ऑर्डर्स आ रहे हैं जस्ट बिकॉज कि वो FBA से एक्टिव है, तो उसी के बेसिस पर घर से बस एक दो ऑर्डर्स आ रहा है ना लेने के लिए। हाँ आ रहा है, मतलब आज के भी है मेरे, दो ऑर्डर्स है मेरे, तो बस ठीक है, तो उसे MFN में भी ऑन कर लो, बाकी लिख लो, ठीक एक ही पॉइंट लिख लो कि हमें बात MFN में भी ऑन करने 899 के प्राइस पॉइंट पे, और यहाँ से फुलफिल कर लेंगे। दूसरा तू देख रहा डिफरेंस कितना है, इस कारण से ही मैं तुझे MFN के लिए पुश कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि FBA नहीं करना है, FBA में भी कुछ यूनिट्स रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं कि FBA में तेरे को प्राइस किस लोकेलिटी में मिलता होगा, जहाँ तक मिल सकते बाहर जाने के बाद वो प्राइस वाला जीत जाता हूँ इस रीजन के बाद, प्राइमरी थिंग जिस पर हमें बात करनी थी, इस वजह से अगला पॉइंट देख लेते हैं, क्या बोल रहा था तू, ये प्राइस को कम नहीं करेंगे, प्राइस तो करने की डिस्कशन में नहीं है, 899 इज अ गुड प्राइस। तो अभी क्या करूं फिर मैं, मतलब जो मेरे पास घर घर पे जो वो है, मतलब घर पे जो मेरे पास मैंने उनको एक्चुअली रेडी कर रखा है मैंने, मतलब FBA की शिपमेंट के लिए रेडी है वो, मतलब मैं अगर शिपमेंट क्रिएट करके, क्रिएट नहीं करी है शिपमेंट मैंने, बट
पैकेजेस जो है ना, मतलब एक जो इनिशियल पैकिंग होती है चार पीसेस को एक पॉलिथीन में, ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन में करता हूँ मैं, तो वो सब करके उस पे मतलब पैकिंग कॉस्ट लग गई है, और उसके बाद उसको फिर मैं मतलब डबल पैकिंग हो जाएगी, फिर अगर मैं उसको फिर MFN में निकालता हूँ तो फिर डबल पैकिंग हो जाएगी, डबल पैकिंग कॉस्ट आ जाएगी, ₹5 से फिर वो मतलब ₹10 हो जाएगी, फिर मतलब ₹5 की फिर यहाँ से एक और पॉलिथीन समझ गया ₹70 का ना, तो वो 10 रुपए से मैं ₹5 और मान लूंगा कि हाँ जी इनको देंगे, पर अगर वो निकल रहा है यहीं से 8 महीने पे, तो अभी वैसे भी 60 पीस है तेरे, देखते 4-5 यूनिट ही आ रहे हैं ऑर्डर, है ना, तो उसके अभी मत भेज, अगर ऐसा लगेगा तो बाद में कर देंगे, बट इसको निकाल दे एज एन ओके, तो 4-5 पीसेस जो निकल रहे हैं इन पे हमें कुछ प्रॉफिट हो रहा है, मतलब वो बिना कैंपेन के निकल रहे हैं कैंपेन, द वे वी हैव डिजाइंड इज कम से कम चलाओ, ₹100 चल रहा है, ₹200 चल रहा है, मैक्स 500, अभी कितना चल रहा है 500 लगा रखा है, 100-200 चलता है, जानबूझ के हमने कम कर रखा है, हम नहीं कुछ करना चाहते उसको, ठीक है, थोड़ा थोड़ा चलते रहे और प्राइस 899 पे ठीक ठाक निकल जाए, ये ज्यादा हमारी कोशिश, 400 से मतलब 500 पीस के अराउंड ट्राइपॉड के घरे पड़े हुए हैं, जिसमें हाँ, जिसमें से जो है सिल्वर वाला, सिल्वर ब्लैक वाले तो होंगे मतलब वही 60-70 पीसेस और होंगे सिल्वर ब्लैक वाले, तो वो तो मैं भेज रहा हूँ, सब भेज दे, सिल्वर और ब्लैक दोनों सारे भेज दे, उसमें कोई टेंशन नहीं, वो वहीं से निकल रहे और अपने आप निकल जाएंगे, तेरा पैसा वापस आ जाएगा, तो सप्लायर से फिर क्या कहूँ मैं, सप्लायर जो है मतलब वो बना रहा है ना अभी पीसेस वगैरह बना रहा है, तो उसको क्या अभी रोक दूं मैं, रोक दो उसको, 500 पीस अपने पास का स्टॉक रख ले, और मतलब 500 पीस हमारे लिए एक हफ्ते का माल होता था पहले, 2 हफ्ते का माल होता था हद, तो हम अब 2 हफ्ते का माल रख के फिर उसे 2 हफ्ते का टाइम दे देंगे ना भाई, जब हमारा माल तेज मूव करने लगेगा कह देंगे भाई बनाने, अभी मत बनवाओ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ 500 पीस अपने पास रख लो, और उसके बाद 500 पीस गुड इनफ, वी कैन जब हमारा तेज मूव करने लगेगा भाई बना दे, ठीक है, दूसरा हमारे को नंबर अभी शेयर कर दे ग्रुप में, हाँ नंबर शेयर कर दे, तो मतलब नंबर क्या वो मतलब स्टिचेस वगैरह क्या कुछ आपके पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिसका कराना है, फिर कौन सा प्रोडक्ट क्या वो ना अलग दो कस्टमर्स के लिए ना एक वो है क्या कहते हैं बैकपैक टाइप होता है ना बैकपैक टू बैग और साइड वाला वैसा कुछ बनवाना है, तो उनका सप्लायर है ही, पता करके देखते हैं इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो बाकी रही वो ब्लैक बैग की बात, तो ब्लैक बैग को इस वेरिएशन में अगर हम चला रहे हैं तो उसके लिए मतलब क्या आपने सोच रखा है, क्योंकि वो स्टोरेट वाले ने तो अलग से चला रखा है, बट हम लोग जो इसको हम इसी में चलाएंगे, और अभी मुझे लगता है डाइवर्सिफाई नहीं करते इन द सेंस, उसको जितना है उसको निकाल दो जितना हो सके, पहले एक ही को ढंग से करेंगे, हमने ब्लैक वाला इसलिए मंगवाया था क्योंकि रेड वाला ठीक ठाक चलने लग गया था, याद कर 25 सेल आ रही थी, तो हमने कहा चलो ब्लैक वाला भी करते, बट अभी रेड वाला ही नहीं रखा, तो अभी पूरा हॉल्ट है, प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल मना करते कि अभी रेड ब्लैक वाला कुछ नहीं करना, जितना है माल उसको थोड़ा थोड़ा निकालेंगे ड्यूरिंग पेंडेमिक, निकले ठीक है, नहीं निकले कोई बात नहीं, पर पोस्ट पेंडेमिक इमीडिएटली निकाल देंगे, ठीक है, चल और कोई बात नहीं ना, नहीं, ठीक है, करते हैं, ओके।